नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। अभी का मौसम आईपीओ का मौसम चल रहा है। हाँ दोस्तों, एक साइड आईपीएल का मौसम चल रहा है और एक साइड आईपीओ का मौसम चल रहा है। धनाधन आईपीओ आ रहा है दोस्तों, उसी लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है, यूटीआई आईपीओ। हाँ दोस्तों, यूटीआई का भी आईपीओ आ रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आईपीओ के बारे में पूरा जानकारी दूंगा कि कितने तारीख को आएगा, कितने का आईपीओ है, क्या लॉट साइज है। तो चलो दोस्तों आईपीओ का शुरुआत करते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, यूटीआई हमारे म्यूचुअल फंड की मेन कंपनियों में से एक है, मेन एएमसी है हमारे भारत की। जो यूटीआई है उसका जो मेन बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर है और फाइनेंस के ऊपर है, वो इंश्योरेंस के सेक्टर में भी काम करती है। यूटीआई इस आईपीओ के जरिए लगभग 3000 करोड़ का रकम जुटाने का प्रयास करेगी। हाँ दोस्तों, 3000 करोड़ का, और इसका आईपीओ का डेट उन्होंने अनाउंस कर दिया है, 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये का है, और जो इसका जो आईपीओ प्राइस रखा गया है वो है 5522554। हाँ दोस्तों, 552 रुपये से 554 रुपये का। इसका जो लॉट साइज है वो 27 का रहेगा। हम मतलब मिनिमम क्वांटिटी में 27 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी यह आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो 29 तारीख से यह ओपन होगा, 29 तारीख को इसका बिट ऑफर होगा और 1 तारीख को यह बंद हो जाएगा, और इसका फाइनल अलॉटमेंट होगा 7 अक्टूबर को। मतलब 7 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको इसका यूटीआई का आईपीओ मिला कि नहीं मिला है। और जो इनिशियल ऑफ रिफंड, मतलब अगर जिनको आईपीओ में नहीं मिलता है शेयर्स, तो उन्हें 8 अक्टूबर को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, और इसका फाइनल लिस्टिंग का डेट है 12 अक्टूबर। हाँ दोस्तों, 12 अक्टूबर को इसका लिस्टिंग का डेट है, उस दिन पता चलेगा कि ये कितने रुपये में लिस्ट हो रहा है। अगर हम इसकी लॉट साइज की बात करें तो इसका लॉट साइज 27 शेयर का है, जिसका अमाउंट अगर हम कट ऑफ में बात करें तो 14,958 रुपये का है, और मैक्सिमम आप इसे 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका शेयर रहेगा 351 शेयर, और इसका मैक्सिमम प्राइस रहेगा 1,94,454 रुपये इसका। अगर हम इस आईपीओ की अलॉटमेंट की बात करें तो क्यूआईवी यानी इंस्टीट्यूशनल के लिए 50% का है, एनआईआई के लिए 15% का है, और रिटेल निवेशक के लिए 35% का है। हाँ दोस्तों, ज़्यादा करके इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उन्हीं में आईपीओ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उसका उत्साह रहता है, तो उनके लिए 35% का रखा गया है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पर नज़र डालें तो यह कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल में रहती है। जैसे कि इसे मार्च वाले क्वार्टर में 2,774 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इसे मतलब यही पिछले क्वार्टर यानी जून वाले क्वार्टर में 1,010 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है, लंबा चौड़ा बिजनेस है। इनके बिजनेस का जो मेन फोकस है वो म्यूचुअल फंड है। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, ये इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी में है म्यूचुअल फंड की सेक्टर में। अगर हम 30 सितंबर 2019 तक का डाटा देखें तो उनके पास 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम है। हाँ, 178 स्कीम से ज़्यादा है उनके पास म्यूचुअल फंड के। आप भी इस कंपनी में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डेट है 29 तारीख से 1 तारीख के बीच में। इसमें भी उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं आईपीओ का सीजन चल रहा है, जो भी आईपीओ आ रहा है धनाधन, उसमें अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो आप भी इसमें अप्लाई करके अच्छा खासा रिटर्न कमाने का मौका है। तो इसका डेट है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लॉट साइज 27 का है, और इसका जो आईपीओ शेयर का लिस्टिंग होगा वो है 12 अक्टूबर 2020 को। 12 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए में लिस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।